हम ईमानदारी का ताज पहने निकले हैं सर पर, हम ईमानदारी का ताज पहने निकले हैं सर पर, सबके दिलों में ऐसा विश्वास लिखेंगे, अरे हुआ है न होगा कभी, हुआ है न होगा कभी, वार्ड में विकास का ऐसा इतिहास लिखेंगे, ऐसा इतिहास लिखेंगे। तो दोस्तों, आज चुनाव का दौर चल रहा है और आपके बीच अनेकानेक लोग आ रहे हैं मात्र आपके एक वोट के लिए। तो अब यह आपको तय करना है कि आपका यह एक वोट आप कैसे प्रत्याशी को देना चाहते हैं। यह आपका एक वोट आपको किसी न किसी प्रत्याशी को तो देना ही है। क्या आपको पता है कि आपका यह वोट आपके वार्ड के उज्जवल भविष्य को लिखेगा? आपका यह एक वोट आपके बच्चों के भविष्य को लिखेगा। यह आपका एक वोट आपके वार्ड के भविष्य को बनाएगा। तो आप अपने इस वोट की क्या कीमत लगा रहे हैं? आपके बीच विभिन्न प्रकार के लोग आ रहे हैं, आपको विभिन्न प्रकार के प्रलोभन भी दे रहे हैं, आपको अनेकानेक लालच भी दे रहे हैं, आपके सिर्फ एक वोट के लिए लालच के चक्कर में पड़कर, लोभ के चक्कर में पड़कर आप अपने एक वोट को कहां देना चाहते हैं? आप अपने वार्ड के भविष्य को कहां लेकर जाना चाहते हैं? ईमानदार प्रत्याशी के हाथ में देना चाहते हैं या फिर ऐसे प्रत्याशी के हाथ में देना चाहते हैं जो आज चुनाव आया है तो आपके पांव पकड़ रहा है, आपको हाथ जोड़ रहा है? लेकिन क्या जो प्रत्याशी आज चुनाव के समय में आपको अपना भाई बना रहा है, अपना बेटा बना रहा है, अपने थाली में खिला रहा है, आपके थाली में खा रहा है, लेकिन क्या वो प्रत्याशी आपके साथ 5 वर्षों तक चलेगा, आपके दुख में साथ देगा? तो मेरे प्रिय मतदाता बंधुओं, हम आपसे आपका वोट मांगने नहीं आए हैं। जो आपकी आंखों पर अंधकार की पट्टी बंधी हुई है उसे हटाने आए हैं कि आप अपना वोट किसी को दें, ईमानदार प्रत्याशी को दें, जो आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहे, आपके सुख में आपके साथ खड़ा रहे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि चंद लोभ लालच के कारण आप अपना कीमती वोट किसी गलत आदमी को दे दें। आप अपना कीमती वोट एक ईमानदार सच्चे नेक प्रत्याशी की झोली में दीजिए। आपके वार्ड का भविष्य आपके ही हाथों में है। अब यह आपको तय करना है कि आप अपना क्या निर्णय करते हैं। याद रखें, आपका एक निर्णय आपके वार्ड के विकास को आने वाले 5 वर्षों तक प्रभावित करेगा। इसलिए अच्छा चुने, सच्चा चुने। धन्यवाद।